तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन के साथ आया हूं जो कि आपसे किसी भी इंटरव्यू के दौरान जनरली पूछ ही लिया जाता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई ड्रम एयर वेंट ओपन और क्लोज एट 2 kg/cm², यानी कि ड्रम का जो एयर वेंट होता है उसको 2 kg/cm² प्रेशर आने पर ही क्यों ओपन या क्लोज किया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ड्रम एयर वेंट को 2 kg/cm² प्रेशर आने पर ओपन क्यों किया जाता है, इसके लिए हम लोग इसमें एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ड्रम का जो एयर वेंट है या सुपर हीटर का जो एयर वेंट है वो 2 kg/cm² प्रेशर आने पर ही क्यों ओपन या क्लोज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्लोज का फंक्शन समझते हैं, यानी कि 2 kg/cm² प्रेशर आने पर ही ये एयर वेंट को क्यों क्लोज किया जाता है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनिशियली में जब हमारा बॉयलर शट डाउन रहता है और हमारा बॉयलर पूरी अच्छी तरह से क्या है, इम्पटी रहता है, यानी कि उस ट्यूब के अंदर या बॉयलर के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहता है, तो जहां पे भी कोई चीज खाली जगह है यानी कि वहां पे क्या है, एयर मौजूद है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर को लाइट अप करने से पहले बॉयलर का एक सर्टेन ड्रम लेवल मेंटेन करते हैं, यानी कि 40-45% ड्रम लेवल मेंटेन करते हैं। तो जैसे ही हम लोग बॉयलर के अंदर पानी भरना स्टार्ट करते हैं तो पानी का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पानी क्या करेगा, जैसे जैसे पानी भरेगा तो उस जगह में जो एयर है उसको धीरे धीरे ऊपर लाने लगेगा। तो हमारा अगर ये वेंट बंद रहेगा, इनिशियली में अगर हम लोग वेंट बंद करेंगे तो यहां से एयर तो निकल नहीं पाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग को पानी इसके अंदर फिल करना होता है तो जो दोनों वेंट को हम लोग क्या करते हैं, ओपन करके रखते हैं, ताकि जब पानी अंदर मतलब बॉयलर के अंदर पानी भरना स्टार्ट होगा तो एयर का डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर आएगा और फाइनली यहां से वेंट आउट हो जाएगा, यानी कि वेंट से हमारा बाहर निकल जाएगा। तो देखिए, हमारा बॉयलर के अंदर जो एयर है, एयर में क्या रहता है, हमारा ऑक्सीजन रहता है। तो ऑक्सीजन बहुत ही हार्मफुल होता है बॉयलर के लिए, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने लगता है, यानी कि मेटल का ऑक्सीडेशन होने लगता है, यानी कि वहां पे रस्ट लगने लगता है, यानी कि कोरोजन लगने लगता है। तो एयर को निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग ये वेंट ओपन रखेंगे तभी जाके हमारा एयर निकलेगा। तो मान लीजिए कि हम लोग का जो ड्रम है वो 40-45% यहां पे हम लोग वाटर मेंटेन कर लिए हैं, तो अभी भी हमारा ये क्या है, मान लीजिए कि 50% या 55% हमारा जो ड्रम है अभी खाली है। ठीक है, हमारा जो सुपर हीटर है यही से हमारा स्टीम आता है, ड्रम से ही हमारा स्टीम आता है, यानी कि सुपर हीटर भी हमारा खाली होगा, यानी जहां पे भी खाली होगा अभी वहां पे क्या है, एयर मौजूद है। ठीक है, यानी कि हमारा ड्रम में आधा पार्ट में क्या है, हमारा एयर मौजूद है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि लाइट अप करना स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग लाइट अप करते हैं तो जो हमारा वाटर है वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर बनने लगता है। तो जैसे ही वेपर बनेगा तो ये जो हमारा एयर है, टॉप साइड में एयर है, वो क्या होगा, हीट अप होने लगेगा, क्योंकि इससे हीट ट्रांसफर किसको होगा, हमारा पहले तो वेपर बनेगा, वेपर क्या करेगा, जो भी हमारा एयर है उसको हीट करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे हीट करेगा तो एयर क्या होगा, यहां से फोर्स आउट होने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, और यहां से हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमारा जो एयर है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर इस ड्रम का हो जाएगा तो हमारा जितना भी एयर होगा इस ड्रम से हमारा टोटली बाहर निकल गया होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर एयर कब इंग्रेस करेगा, जब हमारा इसका प्रेशर यानी कि ड्रम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, यानी कि हमारा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो ड्रम में एंटर करेगा। जब हम लोग लाइट अप करना स्टार्ट करते हैं तो ड्रम के अंदर स्टीम का प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो भी एयर है वो फोर्स आउट हो जाएगा, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अब स्टीम का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो गया है। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1.03 kg/cm² होता है, यानी कि 1.03 kg/cm² से ऊपर अगर प्रेशर पे आप अज्यूम करेंगे कि यहां से जो भी एयर है वो फोर्स आउट हो गया। तो हम लोग एक अच्छा एक्यूरेसी के लिए करते हैं कि अगर हमारा 2 kg/cm² प्रेशर आ गया तो उस कंडीशन में हमारा 100% ड्रम के अंदर से जो भी एयर है वो यहां से निकल गया। देखे होंगे कि जब हमारा स्टीम का प्रेशर बढ़ने लगता है तो यहां से स्टीम आपको कंटिन्यू निकलते रहता है। ठीक है, तो जब हमारा स्टीम का प्रेशर 2 kg/cm² आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा यहां से जो भी एयर था वो सारा निकल गया,
एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बॉलर के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो अब यहां पे आ गया, अब देखिए यहां से जो स्टीम है, जैसे हम लोग यहां पे बंद कर दिए तो स्टीम क्या है, अब हमारा इस सुपर हीटर में आता है, ठीक है। तो सुपर हीटर से भी, अब यहां से वेंट से भी हमारा क्या होगा, यहां से स्टीम निकलना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही हमारा यहां पे, हमारा अगर अज्यूम करते हैं कि यहां पे 3-4 kg प्रेशर आ गया, तो यहां से हम लोग बंद कर लेते हैं, यानी कि यहां से भी अगर बहुत फोर्सफुली स्टीम निकलने लगा तो हम लोग इसको बंद कर देते हैं, यानी कि ड्रम वेंट बंद करने के बाद तुरंत ही हम लोग देखते हैं यहां से भी बहुत तेजी से स्टीम निकलने लगता है, तो उसको भी हम लोग बंद कर लेते हैं। तो अज्यूम करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोज 2 kg/cm² स्क्वायर प्रेशर पे क्यों किया जाता है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि इसको ओपन क्यों करते हैं 2 kg/cm² पे, यानी कि जब हम लोग बॉयलर को शट डाउन करते हैं, यानी कि बॉयलर को जब हम लोग ठंडा करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा स्टीम है वो कंडेंस होना स्टार्ट होगा, यानी कि जब हम लोग हीट देंगे ही नहीं तो क्या होगा, जो स्टीम है वो कंडेंस होगा, ठीक है। तो जब स्टीम कंडेंस होता है तो हम लोग जानते हैं कि जब स्टीम से वाटर में कन्वर्ट होता है तो 1600 गुना उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, यानी कि जब आप वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस समय स्टीम का जो वॉल्यूम है लगभग 1600 गुना एक्सपैंड होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो वाटर है उसका 1 liter हम लोग वॉल्यूम लेते हैं और उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, और हमारा जो जब उसको एवोपरेट करेंगे, जब उसको गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, वेपर बनेगा। तो वेपर जब बनेगा और उस वेपर का भी हम लोग प्रेशर कितना रखेंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रखेंगे, और देखेंगे कि हमारा जो वाटर है स्टीम बनने के बाद वो 1600 गुना वॉल्यूम ले रहा है। ये 1 liter ले रहा था तो वो 1600 टाइम्स उससे ज्यादा वॉल्यूम ले रहा था। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि जब आप इसको कंडेंस कर रहे हैं और ये सारा चीज आपका बंद है, सारा कुछ क्या है, बंद है, तो उस कंडीशन में जब ये स्टीम कंडेंस होगा तो ये 1600 गुना वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। जब आपका प्रेशर इसका डिक्रीज होने लगता है, मान लीजिए कि 2 kg/cm इसका प्रेशर आ गया, आपने वेंट नहीं खोला, तो ये क्या होगा, कंडेंस होना स्टार्ट होता है। कंडेंस होगा तो मान लीजिए कि हमारा जो यहां तक क्या है, स्टीम है, 50% मेंटेन कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि 50% में हमारा क्या है, स्टीम है, तो जब ये कंडेंस हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1600 गुना डिक्रीज होता है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये जो स्टीम है अब ये वाटर में कन्वर्ट होकर यहां तक हमारा क्या है, पूरा जगह खाली हो गया। यहां पर सडनली स्टीम का वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से इसके टॉप पार्ट में हमारा क्या होता है, कोई भी चीज अवेलेबल नहीं रहता है, और कहीं भी अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। यानी कि अगर कहीं पे एयर नहीं अवेलेबल है या कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक, यहां पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग इसको एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझते हैं कि यहां पे कैसे वैक्यूम क्रिएट होता है। तो चलिए फ्रेंड अभी हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही सिंपल है, बट इस टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। तो देखिए इसके लिए मैंने लिया है एक इलेक्ट्रिक केटली और हमारे पास है 1 bottle पानी, ये हमारा नॉर्मल वाटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वाटर है इसको हम लोग अच्छी तरह से हीट कर लेंगे, यानी कि इस केटली के अंदर हम इस पानी को क्या कर रहे हैं, डाल दे रहे हैं। मैं आधा ही पानी डाल रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, हीट करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्या है, ये हमारा जो वाटर है गर्म होना स्टार्ट हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स इस केटली के अंदर जो भी पानी है वो अच्छी तरह से हीट अप हो चुका है, और इस बोतल के अंदर जो भी बाकी का पानी था उसको मैंने नीचे गिरा दिया। तो अभी हमारा ये जो बोतल है वो अच्छी तरह से खाली हो चुका है। तो अगर ये बोतल खाली है, जहां पे भी खाली रहता है वहां पे क्या रहता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर रहता है, यानी कि इसके अंदर अब क्या है, एयर अवेलेबल है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस बोतल के अंदर इस गर्म पानी को भरने वाले हैं। तो देखिए मैं यहां पे इसको भरना स्टार्ट कर रहा हूं। तो जैसे ही हम लोग इसके अंदर पानी भरना स्टार्ट करेंगे तो इस बोतल के अंदर जो एयर होगा वो बाहर निकलने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए मैं यहां पे इतना भर दिया हूं और इसको अच्छी तरह से टाइट बंद कर दे रहा हूं। तो अभी देखिए हमारा 50% लगभग क्या है, इसके अंदर पानी अवेलेबल है, और 50% क्या है, हमारा खाली है। तो 50% जो हमारा वाटर है इसका डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से एयर तो बाहर निकल गया, लेकिन ये जो हमारा 50% जो खाली बचा है इसके अंदर से भी हमारा एयर निकल चुका है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग गर्म पानी इसके अंदर डाल रहे हैं तो जब गर्म पानी डालेंगे तो पानी से क्या बनता है, वेपर बनता है, तो इसके टॉप में क्या होगा, हमारा वेपर होगा। तो देखिए यहां पे आपको ऊपर साइड में वेपर दिखाई दे रहा होगा, और ये देखिए अभी हमारा बोतल जैसे ही पानी गर्म भरे तो देखिए अपने आप ये सिकुड़ने लग रहा है, देखिए अपने आप ये चिपक रहा है, ठीक है।
तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि ऐसा ये क्यों हुआ। तो देखिए, जब हम लोग गर्म पानी इसके अंदर डाले तो जो भी एयर है वो हीटअप होने लगा। तो जब एयर हीट होगा तो उसका डेंसिटी क्या होता है, जब किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। तो वो एयर क्या होगा, डेंसिटी कम होने की वजह से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जो जैसे हम लोग ये ढक्कन को बंद कर दिए तो यहां पर जो भी स्टीम है, जो वाटर से वेपराइज होकर जो फ्लैश स्टीम बना है वो इसके टॉप में रहेगा। तो अब ये क्या होगा कि जब ठंडा होगा, यानी कि जब कुछ समय बाद जब ये ठंडा होने लगता है तो ये क्या होगा, कंडेंस होने लगता है। यानी कि जो भी हमारा फ्लैश स्टीम बना है ऊपर वो क्या होगा, कंडेंस होने लगता है। तो जैसे ही कंडेंस होगा तो हम लोग जानते हैं कि जब स्टीम को कंडेंस किया जाता है तो उसका लगभग 1600 गुना वॉल्यूम डिक्रीज होता है, 1600 गुना वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो मान लीजिए कि यहां तक तो हम लोग पूरा अच्छी तरह से टाइट कर दिया, अब इसके अंदर कोई भी एयर वगैरह नहीं आने वाला है, तो इसका जैसे ही कंडेंसेशन होगा तो इसका 1600 गुना वॉल्यूम जैसे डिक्रीज होगा, यानी जैसे ही यहां पे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो इस वॉल्यूम को फिल करने के लिए क्या होता है, एटमोस्फेरिक एयर जो है वो बहुत ही तत्पर से रेडी रहता है कि जहां पे भी खाली स्थान होगा वहां पे एयर पहुंच जाएगा। तो इस बोतल के अंदर अब कहीं से भी एयर एंटर करने का जगह नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा कि जहां से इसको जगह वहां से इसके अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा। यानी कि चारों तरफ से इस बोतल के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड है, यानी कि एयर का इस पे प्रेशर अप्लाइड है। लेकिन जब ये कंडेंस होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होने सडनली वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, ठीक है। अगर सडनली वॉल्यूम डिक्रीज कर देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, एयर की अनअवेलेबिलिटी होगा, यहां पे एयर नहीं रहेगा। तो जहां पे भी बाहर एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और अंदर कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो इसी वैक्यूम को मेंटेन करने के लिए देखिए अभी भी क्या है, एयर एटमॉस्फेरिक एयर इसको दबा रहा है। तो यही कंडीशन होता है हमारा ड्रम के साथ। तो चलिए इसको हम लोग बोर्ड पे समझते हैं। उम्मीद करता हूं इस एक्सपेरिमेंट से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टीम का जब कंडेंसेशन होता है तो हमारा इनसाइड में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो देखिए यहां पे जब हमारा स्टीम का कंडेंसेशन होता है तो टॉप साइड में हमारा खाली होने की वजह से यहां पे जो एयर है आने का कोशिश करता है। कहीं भी अगर मतलब कि कोई चीज खाली है तो वहां पे क्या है, नेगेटिव प्रेशर है। अगर हमारा टॉप साइड में नेगेटिव प्रेशर रहेगा तो ये जो पानी है वो इजीली बॉटम में नहीं आ पाएगा, मतलब कि नीचे ड्रेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो वैक्यूम है इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचे रहेगा। ये नीचे आने की कोशिश करेगा लेकिन ऊपर नेगेटिव प्रेशर है तो ये क्या है, ऊपर की तरफ लटका हुआ रहेगा। तो जब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, देखिए अभी हमारा भी वेंट क्या है, क्लोज है, अभी हम लोग वेंट को ओपन नहीं किए हैं। तो अब क्या होगा कि जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या करेगा, इसके ऊपर अप्लाइड करेगा, जैसे कि हमारा उस बोतल के ऊपर बाहर से जो फोर्स अप्लाइड कर रहा है वैसे ही यहां से क्या होगा, हमारा जो फोर्स है वो अप्लाइड होगा। तो इस ड्रम को क्या करेगा, इसको पचकाने का कोशिश करेगा, चिपकाने की कोशिश करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंप्लोजन बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर हमारा वैक्यूम आने की वजह से क्या होता है, हमारा इंप्लोजन होता है। जैसे कि हमारा फर्नेस के अंदर अगर ड्राफ्ट नेगेटिव हो जाता है तो बॉयलर कैसे इंप्लोज हो जाता है, इंप्लोजन हो जाता है, वैसे ही यहां पे वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से हमारा जो ड्रम है वो क्या होता है, चिपकने लगता है, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, यानी कि इस ड्रम के अंदर हमारा वैक्यूम ना बने, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे जैसे ही 2 kg/cm² का प्रेशर आता है, इतना प्रेशर पे हमारा कोई भी वैक्यूम यहां पे नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा 2 kg/cm² जो प्रेशर है वो अभी भी क्या है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो जैसे ही हम लोग इसको ओपन करेंगे तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है इसके अंदर एंटर करने लगेगा, तो हमारा जो भी यहाँ पे खाली जगह होगा कंडेंसेशन की वजह से उसको ये जो एयर है उसको फिल कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग इसको 2 kg/cm² प्रेशर आने पे ओपन या क्लोज करते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।